तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है सारंग को लेके। तो जो सारंग है उन्होंने ज्वाइन कर लिया जेनसिस ई-स्पोर्ट्स को, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो लाइटनिंग फास्ट है उन्होंने बात करी थी जी के प्लेइंग 5 के बारे में, एंड साथ में काफ़ी लोग उनसे ये पूछ रहे थे जो रॉन्सकी एंड गोलू है उनका लाइनअप क्या रहने वाला है। तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। I missed you in playing 5, me too bro, I missed myself. गए मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरा ब्रेक है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। एक बार वीज़ा का सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो ना तो मैं जा सकता हूँ। आई थिंक प्लेइंग 5 कौन है पैसिफिक अभी तक कैसे श्योर है भाई? सब ब्रेक में फिर जाएंगे, प्रैक्टिस चालू होगा, अभी तक मेरा कुछ आइडिया नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ प्लेइंग 5 में तो वही रहेगा बात, आर्यन कोरिया या फिर इंडिया। पर बूट कैंप, this is my boot camp guys. this is our old boot camp all time, वही है वही रहेगा। रॉन्सकी भी आएगा अब तो पता नहीं, not sure about that. दूसरों लोगों का आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है खुद का आइडिया है। अभी तक सीन यही है कि वीजा अप्लाई करेंगे और फिर ही कर सकते हैं सब कुछ। तब तक सब अपना अपना वीजा अप्लाई करने के लिए लगे हैं। Missed you at match, me too bro. That dard hai bhai. I wish myself too at matches. Rons ki kisko substitute karega? Abhi kisko nahi pata. I have no idea what the future is. Hum 15 log match dekh rahe the and wait kar rahe the ki we'll see Golu playing race deal tod diya yaar. Yaar. Kaash yaar. Kaise bata yaar? Maaf kar do. Apologies from my side. I couldn't convey it to you guys. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 1x के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग प्रिडिक्शन करके पैसा इन कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, तो अगर आप लोग यार हार भी जाते हैं तो आप लोगों को सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग यूज़ करते हैं मेरा प्रोमो कोड गेमएक्स न्यूज़ तो आप लोगों को मिलने वाला है 130% का बोनस। एंड साथ में आप लोग यार ई स्पोर्ट्स के मैचेस भी वहाँ पर लाइव देख सकते हो। एंड आप लोगों को भी पता ही IPL भी आने वाला है, तो जल्दी जाओ जाकर प्रिडिक्शन कर लो एंड पैसा अर्न कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी ने अमन से पूछा था कि जो 16 लाइनअप है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर हमारे को अमित भाई या नमन की जो डिस्कशन है वो देखने को मिली। एंड इसके बाद जो अमन है उन्होंने ये भी पूछा था कि जो एस पावर है उसका कोई चांसेस है हमारे को सोल में दिखने का, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। अमित भाई से पूछो रोल चेंज हो रहे क्या प्लेयर्स BGMI आने के बाद? अमित भाई रोल चेंज करवा रहे हैं? मैं तो एजल बनने वाला हूं बिल्कुल। अरे यार आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो मेरी टीम में हो, वो मैं डिसाइड करूंगा। मैं बोल रहा हूं टीम सोल में रोल चेंज हो रहे का हेक्टर आईजी हेलो ओमेगा सपोर्ट ऐसा कुछ साल बाद? नहीं 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 ऐसा कुछ वर्क नहीं रिस्क नहीं लेने का गाइस, तब समझ आता है। हां कुछ अच्छा ना चल रहा हो तब समझ भी आता है। हां गाइस अच्छा चल रहा है गाइस, बेसिकली तुम लोग अभी स्क्रीम्स देख नहीं रहे हो इसलिए तुमको पता नहीं, इसका मतलब अमित भाई तो देख ही रहे, तो अमित भाई को पता होगा अच्छा चल रहा है। सही बात है, टूर्नामेंट देख लो बात। हाँ तो रोल तो चेंज नहीं हो रहे, मतलब कुछ से नया प्लेयर का एडिशन हुए क्या सोल में जो अपन ने पहले डिसाइड करे थे वो हो गए क्या एडिशन? ऑफिशियल नहीं, क्या कह रहे हैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है ऑफिशियली? तो वो तो मुझे भी पता है, मैं तो देखता ही हूँ SATL के सारे पोस्ट वगैरह। मैं बोल रहा हूँ ऐसे इंटरनली हो गए क्या? और आजकल तो दो तीन प्लेयर मतलब किसी दूसरी ऑर्ग से भी निकले जो कि 14-15 साल के हैं, समझ रहे होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उनको भी लेने का आपने सोचा है क्या कुछ ऐसा कुछ? भाई डालूंगा किधर जब 4 प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं, पता नहीं 6 लोग का रोस्टर हो सकता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं भी वही सोच रहा था, पर 6 लोग का रोस्टर का देंगे क्या, लड़ाई ज्यादा हो जाएगी ना, मेरे को खिलाओगे तो खिलाओ, यहाँ पे 5 लड़ाई भी नहीं होगी बट पे मतलब हाँ से 5 हुए तब सोचना पड़ जाएगा कि कौन चिंता होएगा जो देखेगा बैठ के। हाँ सही बात है। एंड इसके बाद जो स्काउट है उन्होंने बात करी थी जोकर के बारे में, एंड उन्होंने इसके ऊपर क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। जोकर के लेवल नहीं यार, जोकर तो अपना भाई है बस, वो है थोड़ा सा जोश में रहता और कुछ नहीं। जोकर उम्र में बड़ा है बट काम में छोटा है हम लोग से बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, तो वही है
मैं भी जब जोकर जैसा नया नया था, मैं उस टाइम पे गाली गलौज बहुत कर देता था जब मैं नया नया था, क्योंकि हमें एग्रेशन थे। जोकर उसी टाइप से जोकर बहुत लाइक कॉन्टेंट ओरिएंटेड स्ट्रीमर है, तो वो भी कैसा कॉन्टेंट के चक्कर में कभी कभी उसको पता नहीं चलता क्या बोलते, तो इट्स जस्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट आई फील। रोंडा इन जनरल नेक्स्ट लेवल शिट है, मतलब एक वो ऐसा बंदा है लाइक हुम यू कैन कॉल एट नाइट कि भाई दिक्कत आ रही है बता कुछ है सोल्यूशन, ही विल पिक द कॉल। जोकर वैसा बंदा है, बट वही है व्हेन इज इन कैरेक्टर भूल जाता है। नॉट ओनली हिम, लॉट ऑफ पीपल, जो लोग पुराने हैं, पीपल हु हैव बीन स्ट्रीमिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन द मेन स्ट्रीम, उन लोगों को पता है कैसे रहना क्या रहना है। बट लोगों की ऑडियंस ट्रिगर होने वाली है एज यूजुअल। भैया मैं ऐसा जताना नहीं चाहता हूँ, ऑडियंस पबजी मोबाइल की ही है जो यहाँ पे बनी हुई है। ऑडियंस शुरुआती हुई थी 3 आदमी से, मोटल, डायनमो, स्काउट। मैंने ये ऑर्डर इसलिए बोला, नहीं डायनमो मोटल स्काउट, मैंने ऑर्डर इसलिए बोला इस ऑर्डर में ही यूट्यूब में गेमिंग पबजी मोबाइल की चालू हुई थी। डायनमो आया था, मोटल आया था, फिर मैं आया था। वेरी वेरी सिंपल, यही ऑडियंस रूट है। कल को गेम आना, यही ऑडियंस इसी रूट पर आने वाली। तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। एंड आगे को यूरो अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।